टेबलेट बेच के, गांजा के पुरिया बेच के या कतु से चोरी करके ला के दे देने है 2-4-5 हजार 10 हजार गार्जियन के, तब न डटे है। पढ़े के अधिकार है, जाए ढूंगा बालू लदर उ 5-6 हजार होते गार्जियन वही में ठीक है, हमारा बेटा कमा रहा है। बाल पोषण के लागे जन्म से लेके 5 बरिस तक के वही में अथी रखने बाल के पोषण के भत्ता, आ वो गार्जियन की करते, वो बाल बच्चा में प्रयोग न करके वो नून तेल में प्रयोग करते तो वो बाल पोषण भेलै। बाल अधिकार की न बाल शोषण कसरी मुक्त करने, बाल विवाह की न होने, सब भैराखे सब चीज भ रहा, बालो अधिकार वहां देखा नहीं पा रहा। बालो विवाह जे हम सुन 20 बरिस के अभी नियम तो 20 बरिस बना देने है ना, लेकिन हमरा सुन के समाज के सोच केहन है 14-15-16 बरिस में शादी करने, वहन सोच है ना। बाल बच्चा के बाल अधिकार के रूप में शोषण नहीं करे ला, काम काज में नहीं लगावे ला, शिक्षा में उनका सुन के सिर्फ स्वस्थ खाना स्वस्थ खाल खेलकूद हो के चाहिए, स्वस्थ शिक्षा हो के चाहिए, स्वस्थ वातावरण हो के चाहिए, उनका सुन के अधिकार के बात है। कोई बड़का आदमी सियान आदमी ओकरा कहते बउआ तू माल जाल चरा, बउआ तू बकरी चरा, बउआ तू पढ़ के आके घास काट, बउआ तू पढ़ के आके भाड़ा मैच, वो बाल अधिकार अंतर्गत में नहीं पड़े है। लेकिन अय के अपना सुन के नेपाल में और हमरा सुन के ये तराई अपना मधेश में भीतरी मधेश में केहन बानी है आदत अभिभावक सुन के, बउआ 10 बजे नहीं स्कूल जताओ, भात भंसा बनै है हम कुशियार रोप के अबै छी, हम कोभी रोप जेब, हम हर जो उ बउए बच्ची सुन के काम में लगबै छै है कि नहीं है, ओहने है ना। तो अभी नेपाल सरकार की कहने है, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनावे के अवधारणा लेने छी, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनावे के अवधारणा तो लेने, लेकिन दलाल पूंजीपति वर्ग के अधीन में ई नेपाल के अथवा ई देश राज्य के जनता चला रहा है, पूंजी के नाम में, पूंजीवाद क्रांति के नाम कह रहा है, पूंजीवाद क्रांति के नाम देश कर रहा है पूंजी ला अगाड़ी बढ़ाने, लेकिन अभिभावक के दिमाग में की आ गया है पूंजी केना के बढ़ते, तो केना के बढ़ते, ये बउआ बुच्ची के पहाड़िए में चढ़ा के होते, पहाड़िए चढ़ा के होता है 1 लाख वाले है, एक मान लिया हम तरकारी कर जब एक भाते भंसा में लगा दे, चल बेसी पढ़ गेलो भ गए 10-11 तक पढ़ ले, तुरा महिला सुन बेसी पढ़ के कथी करब, एहन सोच के में बेसी हो रहा। और लड़का सुन के हम अहाँ में नहीं देखे छे, 12-14-15 बरिस में कंप्यूटर चोरी भेलै, कोनो बेसी उम्र नहीं छे 15-16 बरिस के, तो वो गलत अवधारणा लेने गलत सोच बना लेने छे, वो कथी के कारण है, असल अभिभावक नहीं होय के कारण है। असल अभिभावक वो बच्चा कथी करे केकरो बाल अधिकार अंतर्गत में डांटेला हाटेला नहीं कह रहा, वो रोक नहीं कर छे, कोई आदमी चोरी कर रहा है आम चोरी कर रहा है तो कमती में ओकरा खबरदार है अर्का को आम तोड़ने हो तिमलाई उद्योग गार्जियन ले भेटे पछि त तिमलाई कुट्छ नि दंड गर्छ नि सजाय गर्छ नि यो त राम्रो होइन कह के कह परे। लेकिन एमे के अभिभावक सुन की कह रहलै, बेसी गुटका गाजा ई चुरोट खैनी खाए वाला ई 14-15 बरिस के धियापुता सुन बनल है, उ गार्जियन के मालूम नहीं है, तो उ गार्जियन की कह रहा है, एमे 2-4 टा त हम त एहनो फैला पड़ल छै, टेबलेट बेच के, गांजा के पुरिया बेच के या कतु से चोरी करके ला के दे देने है 2-4-5 हजार 10 हजार गार्जियन के, तब न डटे है, उ फायदा में बैठ रहा है वो अभिभावक, वो की कह रहा है हमारा बच्चा कमर, चाहे वो अहाँ अभी पढ़े के अधिकार है, जाए ढूंगा बालू लदर उ 5-6 हजार होते गार्जियन वही में ठीक है, हमारा बेटा कमा रहा है, ओकरा अधिकार के बारे में तो न बुझल वो अभिभावक बुझे पड़ते, वो अभिभावक जब तक नहीं पूछते बाल अधिकार की है, उ सियान जोरे ओकरा दर्जा करते तो वो ठीक नहीं रहते। बाल बच्चा के काम की है, सिर्फ पढ़ के लेख के सर सफाई में बैठक के खेल कूद करे स्वस्थ खाना खाव के असल डॉक्टर के उपयोग जना के अभी तखन तक बउआ बुच्ची कहने चले औषधि मिले के चाहिए। नेपाल सरकार कथी कह देने बाल अधिकार के लाइक बाल कुपोषण के लाइक बच्चा के बच्चा जन्म से लेके 5 बरिस तक के नेपाल सरकार कर मानव अधिकार में रहित
ओकर जब मानव भाके जन्म गेले तो ओकरा बाल अधिकार के एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में वो दर्ज भयल है, मान्यता पायल है। वो बाल बच्चा के हर एक क्षेत्र से उनका सुरक्षा हो के चाहिए कह के ओहन सोच लाबक चाहिए, लेकिन ओहन नहीं हो रहा है। अभिभावक के में बाल पोषण के लागी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के में अथि रखने बाल के पोषण के भत्ता, आ वो गार्जियन की करते वो बाल बच्चा में प्रयोग न करके वो नून तेल में प्रयोग करते तो वो बाल पोषण भेलै, बाल पोषण भेले वो नहीं भेले। वो सोच आबक से वह बच्चा के लाइक कौन तरीका से हम एकरा पोषण युक्त हो के चाहिए, एकरा पोषण के खाना मिले के चाहिए, दवा मिले के चाहिए, दूध दवा सुन मिले के चाहिए, उस सोच में जाए के चाहिए। ये चीज है बाल विवाह हो के कारण एक सामाजिक पुराना मान्यता सुन है रसे हटाव के, लेकिन हम अहा नियम के भी जे नियम नेपाल सरकार बना देने है ओकरा प्रचारक भी बन पड़े। और बउआ बुझी जाए कि बुझ पड़ते 20 वर्ष में शादी है नेपाल सरकार मान्यता देने कानून बने ने 20 वर्ष के बाद में तब शादी करी। ऐसे अगाड़ी करब तो हमसे कानून में पैर जेब, कानून में जेल जेब, कानून में सजाए भोग पड़ते कह के अहाँ सुन प्रचार कर पड़ते, बाल अधिकार संरक्षण के लागी प्रचार कर पड़ते। नहीं प्रचार करब तो अहाँ के दुख होते, कथी दुख होते 14 वर्ष 15 वर्ष में आ शादी में माल जाल के तरह माल किन के नहीं ले जाए भैंसी, आ कुछ नहीं बुझे जाके दूसरा के खुट्टा में बांध दे, बेटी सुन के ऊना करे जाके खुट्टा में बांध दे। आब वो अभिभावक वो दूसरा घर ओकरा पास में न कानूनी ज्ञान है, न शैक्षिक ज्ञान है, न रोजगारिये है, तो वो बच्चा की करते वही जाके माल जाल के तरह में ओकरा भात बनो